Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wa laqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatal alamin. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ تَعَالَى وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله العظيم وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله أهل السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى अपने घर में आने की खुशी थी नमाज नुमा अदा करने की आज आपके सामने दो हदीसें पेश करूंगा। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आया अबू हुरैरा कौन है जो मेरी बात सुने तो फिर आगे पहुंचाए। सहाबा कराम हजरत अबू हुरैरा ने हाथ खड़े किए कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी बात सुनूंगा भी सही और आगे भी पहुंचाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच बातें इरशाद फरमाई। कहा अबू हुरैरा पहली बात यह है कि मुहर्रम से बचना सबसे बड़े इबादत गुजार बन लोगे। मुहर्रम जिन चीज को खुदा ने हराम करार दिया है उनसे बचना सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। नबी ने यह नहीं फरमाया तो सारा दिन रोजा रखेगा सारी रात क्याम करेगा नमाज फर्ज ज्यादा पढ़ेगा वही इबादत गुजार होगा। नबुवत ने फरमाया सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है तो मुहर्रम मास से अपने आप को बचाता है। जिन चीजों से खुदा ने जिन चीज को खुदा ने हराम करार दिया उनसे अपने आप को बचाता है। और अवाम में ये मशहूर है कि शराब हराम जिना हराम इस तरह की बातें मगर आइए कुरान से पूछते हैं कुरान ने किन मुहर्रम का जिक्र किया है। कौन ताल और तो मुहर्रम रब्बों को रब्बे के नाथ ने फरमाया कि मेरे महू बाप को फरमा दे खुदा ने हराम करार दिया है अल्लाह तुझे तू विषया सबसे पहले कि शर्क न करना सिफात में जात में अल्लाह के साथ शर्क न करना। दूसरी बात तो हराम करार दिया वो तो बिल वाले जाने एहसाना वाले जान के साथ अच्छा सलूक करना वाले जान की गुस्ताखी न करना। तीसरी बात जो खुदा ने हराम करार दिया वला तक तो औलाद को मेरी लाख अपनी औलादों को भूख की वजह से रिस्क की तरी वजह से कत्ल न करना। क्यों ना हम अमर को कौन भैया हो हम ही हैं जो तुम्हें भी रिस्क देते हैं और हमको भी रिस्क देते हैं। जिनको हमने दुनिया में पैदा किया उनका रिस्क जिम्मा हमारे जिम्मे है रिस्क की तरी की वजह से अपनी औलादों को कत्ल न करना। चौथी बात वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हर मिन्हा वमा बतन ये भी हराम करार दिया कि फाश काम करना तो रहा दरकिनार। खुदा ने फरमाया तुम्हारे पर ये हराम है कि तुम फाश काम के करीब जाओ। वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हर मिन्हा वमा बतन चाहे वो गलत काम जहर है या बात कोई देख रहा है या नहीं देख रहा फाश काम है गलत काम है तुम उसके करीब भी ना जाना। पांचवी बात वला तक नफ्सत हरम वाला इला बे हम किसी नफ्स को किसी जान को ना हक कतल ना करना। तीसरी में है कि एक इंसान का कतल पूरी इंसानियत का कतल है। ये पांच चीजें हराम करार दी
की अदालत वसा को भी लालम करता को खुदा ने फरमाया इन वाले वसीयत तक तो परहेजगार करो। चक्की बात वाला तकड़ू माल यतीमा, यतीम का माल ना हक ना खाना, यतीम का माल खाना तुम्हारे ऊपर हराम है। या सुबह तो जब बोलो मैं सुनता हूँ, जब वो बलूबर तक पहुंच जाए फिर उसका माल उसके हवाले कर दो। छठी बात बहुत और क्या ना माल भी जाना बिल्कुल नाम दौर में कमी नहीं करनी। वहां कहरा पर मिजाना बिल्कुल नाम तौर में कमी नहीं करनी, देना भी सही देना भी सही। साथी बात वाइजा को तो फादर वालों का नजा करवा, जब भी बात करना अदल वाली बात करना, हक को सच बोलना, चाहे वो तुम्हारे करीब सिदा के ग्रामी क्यों ना हो। आठवीं बात वादे दिला, वादा करना तो वादे को पूरा करना। ये वो आठ मुहर्रम बात ताने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर हराम है। उस हदीस की पहली बात यह थी कि नबी ने फरमाया कि मुहर्रम बात से बचना सबसे बड़े इबादत गुजार पर जाओगे। ये आठ बातें मुहर्रम बात ताजा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी बात अपने हमसाय से अच्छा सलूक करना तो पक्के मोमिन बन जाओगे। मोमिन की शान बयान कर दी कि हमसाय से अच्छा सलूक करना, हमसाय से को तकलीफ ना देना, हमसाय को अजियत ना देना। हमारे अहमद कराम मुफसिर का मौलिया कराम जो थे ना, उनका अगर हमसाय गैर मुस्लिम भी थे उनके साथ भी अच्छा सलूक करते थे। इमाम अबू हनीफा हजरत बिन बगदादी गैर इस्लाम रहमतुल्लाह के हमसाय आतिश परस्त थे, गैर मुस्लिम थे मगर उन्होंने उनके साथ भी अच्छा सलूक किया जिसके जाते वो मुसलमान। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तीसरी बात, खुदा ने जो तुम्हें दिया है इतना रिज़्क दिया है उस पर राजी हो जाना, अल्लाह के दिए और अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाना तो मालदार बन जाओगे, गरीब बन जाओगे। जो खुदा ने तुम्हें दिया है उस पर राजी राजी हो जाना। चौथी बात नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाई, जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए भी वही पसंद कर। जैसे तो अपने लिए खैर को पसंद करता है, अच्छाई को पसंद करता है, दूसरे मुसलमान भाई के लिए ऐसा ही था, अपने मुसलमान भाई की बुराई न था उसकी, उसके साथ ऐसा काम न कर जो तो अपने लिए नहीं करता। तो अपने लिए अच्छा समझता दूसरे के लिए भी अच्छा समझता, अपने लिए खैर समझता दूसरे के लिए ऐसा करता, तो पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएगा। पांचवी लास्ट बात नहीं बात फरमाया ज्यादा ना हंसना, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, फिक्र आखिर खत्म हो जाएगी। अगर हो सके कोशिश कर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना ज्यादा ना हंसना, ये पांच बातें हैं। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, तकरीबन चौथे ये पांचवे नंबर पे आपने इस्लाम कबूल किया। हुजूर के जितने भी सहाबा हैं उन्होंने दीन की खातिर इस्लाम खातिर बढ़ कर मसाइल बर्दाश्त किए। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहां से चले मक्का मुकर्रमा गए, इस्लाम कबूल किया। चौथे ये पांचवे नंबर पर तुम्हें दाव कर दे आपने अवलीन इस्लाम कबूल करने में शामिल, जब कलमा पढ़ लिया इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक ने सलाम सलाम फरमाया है अबू जर गफारी अभी आप खामोशी से वापस ही अपने इलाके में चले जाओ, अभी ज्यादा बावैदा न करना, क्योंकि अभी इस्लाम गालिब नहीं होगा। जो बस जो मक्के के सरदार हैं, जो मदीने के सरदार हैं, आपको तकलीफ देंगे। बाहर के तकवा से रवाना हुए, बैतुल्ला शरीफ पहुंचे, अल्लाह के घर मक्का मुकर्रमा में, वहां बड़े बड़े सरदार बैठे थे गा मुस्लिम, उनके सामने बिला हीलो हिज्जत आपने ऐलान किया, कह दो को मैं खुदा बैतुल्ला शरीफ मानता हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने हजरत मोहम्मद की जात पर ईमान ले आया। वहां जब बैठे थे बड़े बड़े सरदार, उनको इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। हजरत अबू जर गफारी जब उनको होश आया, उन्होंने ये छुपे नहीं कि मैं दोबारा ऐलान न करूँ, ये दोबारा मुझे मारेंगे, मार की परवाह नहीं ना की, बल्कि ये कहा जब ये मार दिया तो मुझे करना पड़ने की ज्यादा लज्जत आती है, दोबारा ऐलान किया, दोबारा वो मारने के लिए हजूर के दरता हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन अहले मक्के के सरदार को बुलाया, कहा तुम चलो अबू जर गफारी का ख्याल ना करो मगर अपनी माशी हालत का ख्याल करो। जब तुम मदीने से जब तुम मक्के से अपना माल तिजारत और शाम भेजते हो तो रास्ते में इनका कबीला आता है, गफारी गफार कबीला आएगा, तो तुमने इनके बड़े सरदार को नौज़ुबिल्लाह मार भी दिया तो
तुम्हारी तिजारत तुम्हारी माशी हालत तंग हो जाएगी। अपनी माशी हालत को देखो। उनको ख्याल आया अकल कर जब हमारी माशी हालत तंग हो जाएगी हमारे तिजारत का सामान शाम है नहीं जाएगा रास्ता बैर मदीना मुनव्वरा से गुजर कर बहुत शाम हमारा जो सब सामान जाता रास्ते में उनका कबीला आता है वो कबीला फिर आगे नहीं जाना चाहिए। अपनी माशी हालत की वजह से महमूद गफारी को छोड़ दिया। वो महमूद गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात नसीहतें दी। ये महमूद गफारी का असल नसब था। वो फरमाता है कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सात नसीहतें दी जिनकी गुजारने के सात असूल बताए। इन असूलों का अगर तुमने ख्याल रखा तो दुनिया में भी निजात पाओगे आखिरत में भी निजात पाओगे। वो सात जिंदगी गुजारने के असूल कौन से थे सात नसीहतें कौन से थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु की। पहली नसीहत फरमाई गया अबू ज़र गफारी दुनिया में मसाकीन के साथ बैठना मसाकीन के साथ मोहब्बत करना। अब हदीस शरीफ में मसाकीन के तरीके दो हैं। एक मस्कीन वो है जिसके पास सुबह का हो शाम का हो इसको भी मस्कीन कहते हैं। दूसरे मस्कीन के तरीके ये करते हैं मुफस्सिरीन का नाम उलमा का नाम वो मस्कीन जो तवाज़ु अख्तियार करे जो आजज़ी अख्तियार करे उसको भी मस्कीन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्कीन के साथ हमारा उठना बैठना हो मस्कीन के साथ हम मजलिस में क्यों ये जिंदगी गुजारने का उसूल बता दिया। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत फरमाई ऐ अबू ज़र गफारी दुनिया में रहना है तो अपने ऊपर वाले को ना देखियो अपने नीचे वाले को देखियो। माल और दौलत में ऊपर वाले को ना देखना नीचे वाले को देखना। दीन इस्लाम में ऊपर वाले को देखना नीचे वाले को ना देखना। अगर किसी को खुदा ने माल दिया है उस पर रशक न कर हसद न कर। खुदा ने जो तुझे दिया है अब खुदा के दिए हुए पर राजी हो जा। तो किसी के माल अपने ऊपर वाले को देखना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गाड़ी में सरदार के उसके कौम में युद्ध युद्ध नहीं थे तो खुदा के सामने दुआ की या अल्लाह दुनिया वालों ने युद्ध दिए मुझे युद्ध भी नहीं थे। थोड़ी देर आगे गया क्या देखता है ऐसा आदमी मेरा उसका पंप नहीं था पंप पर रहा होता था एक पंप खुदा का शुक्रिया तेरी मेहरबानी के तुमने मुझे पंप तो दिया है उसको मैं पंप नहीं दिया। मकसद ये है अपने ऊपर वाले को ना देखना नीचे वाले को देखना। और दीन इस्लाम में अपने ऊपर वाले को देखना। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोशिश कर कि तुम पांच का नमाज पढ़े के बाद दवा फिर पढ़। अगर कोई कुरान की एक सिपाही की तिलावत करता है तो उससे आगे पढ़ दो सिपाही की तिलावत। मकसद है कि दीन में अल्लाह की इबादत में ऊपर वाले को देखना है बाकी माल और दर में दौलत में अपने नीचे वाले को देखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफारी को दूसरी नसीहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरी नसीहत फरमाई आया आया अबू ज़र गफारी दुनिया में तुम्हें रहना है ऐसा मामला खुदा का हुक्म आ जाए खुदा के हुक्म की इत्तबा करना दुनिया की मलामत से न करना। ये ना समझना कि ये काम मैं करूंगा दुनिया वाले क्या कहेंगे। दुनिया वाले अपने मिजाज के मुताबिक कहेंगे मगर तूने खुदा को देखना खुदा के रसूल को देखना। दुनिया रूठती है तो रूठे मगर तेरा दामा नबी से न रूठे। ये तीसरी बात नबी पाक चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफारी को कहा जब भी तेरे जुबान से लफ्ज निकले तो हक बोलना सच बोलना चाहे तेरे कुर्बत वाले उसके खिलाफ ना हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल या मुसलमान जो मोमिन है बोलते रहो हो सकता है आप फरमाया हाँ कभी भी हो जाएगा बोलते। दूसरी मरतबा अर्ज किया आपने कहा हो सकता है बोलते। तीसरी मरतबा अर्ज किया आपने फरमाया हो सकता है बोलते। चौथी मत उसने सवाल किया क्या मुसलमान झूठा हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा झूठा नहीं हो सकता। हक कहना सच कहना और हक को सच का साथ देना खुदा इमाम शाफी रहमत ने 40 साल अल्लाह की रहमत में दफन किया
सोचता कि मैं 40 साल अल्लाह की रहमत पे दफ दिए, कभी अल्लाह की जब्बार कहारत पे भी दफ दे, अल्लाह की जब्बार कहारत पर दफ देना शुरू किया तो रब से निदाए कि इमाम शाफी की अल्लाह की रहमत खत्म हो गई है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो पांचवी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अबू दर गफारी, पांचवी बात यह है कि किसी के सामने सवाल ना करना, चाहे कलील का चाहे ज्यादा का, क्वेश्चन करना सवाल अल्लाह से करना, अल्लाह ही देने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह से मांगता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसको सवाल करने का वक्त नहीं मिलता, खुदा उसको ऐसे रास्ते से देता है जैसे कोई उम्मीद नहीं होती। तो पांचवी बात अबू दर गफारी को नसीहत की किसी के आगे सवाल सवाल न करना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वक्त के खलीफा वक्त के अमीर उन्होंने घोड़े पर सवार होकर जा रहे आपके हाथ में घोड़ा घोड़ा नीचे गिर गया, आप घोड़े से नीचे उतरे, घोड़ा उठाया फिर घोड़े के ऊपर बैठे, जो याद है कि हजूर वाला आप हमें कहते हम आपको उठा के देते, आपने तकलीफ की सवारी से नीचे उतरे घोड़ा उठाया फिर ऊपर बैठे फिर आपने आपकी सवारी रवाना की। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी अगर सवाल नहीं करता तो मैंने ये भी गवारा नहीं किया कि आप अपना कोड़ा उठाने के लिए किसी से सवाल करो। आज हमारा आलम हम अल्लाह के घर में, हालांकि मसला है हदीस शरीफ है खुदा के घर में किसी से किसी के आगे सवाल न करो, खुदा के घर में खुदा से मांगो। ये जो आजकल रूटीन पड़ी हुई है सवारियों की, यहाँ तक मसला है कि मस्जिद की हदूद में अगर कोई सवाल करता है तो उसको सवाल न करने दो, अगर वो करके मस्जिद की हदूद में बैठे तो उसको ना दो, देने वाला भी गुनाहगार है, उसको मस्जिद की हदूद से बैठ बैठ फिर मत भेजो। मसला याद रख रहे मस्जिद में पहले तो सवाल न करे अपनी जात के लिए, मस्जिद में अल्लाह घर में अल्लाह से मांगना ही शरीयत का मसला है, जो कर देता फिर देने वाला भी ख्याल करे मस्जिद की हदूद की, यहाँ तक अल्लाह के घर में उसको ना दे जूतियों तक मस्जिद की हदूद है, जूतियों से बाहर ये बदलू की जगह जो है ये मस्जिद की हदूद में शामिल नहीं होती। इसी तरह जो इतकाफ वाला इतकाफ में बैठते हैं वो भी ये बात याद रखें कि जूती के बाहर बदलू वाली जगह मस्जिद में शामिल नहीं है, बदलू वाली जगह पर सिर्फ इतकाफ वाला जाएगा वजू करेगा, वजू वाली जगह पर किसी से कलाम न करे, किसी से बात न करे, क्योंकि ये जगह मस्जिद की हदूद नहीं है, बाथरूम वाली जगह बाथरूम का रास्ता मस्जिद की हदूद नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी के आगे सवाल न करा। आखिरी बात हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि काजर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत करना ला हौला व ला कुव्वता, इसका माने है कि अल्लाह तबारक व तआला ही ताकत देगा, अगर कोई नेकी करेगा नेकी की इस्तेआत ताकत पर इल्ला देता है, अगर कोई बुराई से बचेगा तो भी इस्तेआत बचाने वाला भी अल्लाह है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत करना, बल्कि बाद हदीस में है कि ये 70 बीमारियों की शिफा है ये करना, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जो भी मुश्किल परेशानी हो ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत करें अल्लाह इस कल में की बरकत से मुश्किल और परेशानी हल कर देते हैं। ये 7 नसीहतें थी जो हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के लिए इजाद है जब मुसलमान रोजा रखता है जितनी मखलूक है वो उसके लिए मफरत की दुआ करते हैं, हवा में जितने परिंदे हैं वो भी उसकी मफरत बख्शिश की दुआ करते हैं, जो यहाँ में रहने वाले मछलियाँ रोजेदार के लिए कोशिश दुआ करती हैं, भीड़ में रहने वाले टूटियाँ जितने भी हैं वो भी मोमिन बंदे के लिए रोजेदार के लिए कोशिश दुआ करती है। सारी मखलूक रब के नाम ने हुक्म दे दिया कि तुम मेरे रोजेदार के लिए कोशिश की दुआ करो, कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका सवाब खुदा देता है, आना आसो में ली बाना थी बे रोजा मेरे लिए मैं इसकी दुआ दे, बल्कि यहाँ तक भी है कुरान फरमा रोजा मेरे लिए मैं खुद इसकी दुआ, जितना रोजे को बेहतर बनाएंगे रोजे का ना बेहतर रखेंगे खुद का खुदा से सवाब और अजर मिलेगा। उठे बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है, उठे बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है, मता मौका चुका
उठे बंदे आ।